जब से पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी हुई है तब से ही बवाल मचा हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ इमरान खान सोमवार 15 मई को एक बार फिर से अदालत पहुंचे। इस बार इमरान खान को लाहौर हाई कोर्ट में पेश किया गया। इससे पहले इमरान खान ने दावा किया था कि सोमवार 15 मई को उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास किया जाएगा। इमरान खान ने सोमवार को शहबाज शरीफ सरकार की लंदन प्लान के बारे में खुलासा किया, जिसका मकसद उनकी पार्टी पीटीआई को गैर कानूनी घोषित करना है, उनकी पत्नी बुशरा बेगम को जेल में डालना और राजद्रोह कानून का इस्तेमाल करके उन्हें अगले 10 साल तक जेल के अंदर रखना है। इमरान खान ने एक ट्वीट कर कहा है कि तो लंदन प्लान खत्म सबके सामने आ चुका है। जब मैं जेल के अंदर था उन्होंने हिंसा के बहाने उन्होंने न्यायाधीश जूरी और जल्लाद की भूमिका निभाई है। अब उनकी योजना बुशरा बेगम को जेल में डालकर मुझे दबाने की है और कुछ राजद्रोह का कानून उपयोग करके अगले 10 सालों तक मुझे अंदर रखने का प्लान है। साथ ही इमरान खान ने यह भी कहा कि फिर पीटीआई नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के पास जो कुछ बचा है उसको पूरी तरह से ध्वस्त किया जाएगा। इमरान खान ने जनता को संदेश देते हुए कहा है कि पाकिस्तान के लोगों के लिए मेरा संदेश, मैं अपने खुद के आखिरी बूंद तक हक की लड़ाई के लिए लड़ूंगा, क्योंकि मेरे लिए इन बदमाशों के गुलाम होने से मौत बेहतर है। बता दें कि 70 वर्षीय इमरान खान को 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से ही पूरे मुल्क में हालात बेकाबू हो गए। उन्हें अल कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया था, साथ ही उन पर राजद्रोह, आतंकवाद और हिंसा भड़काने जैसे आरोप लगे हुए हैं। फिलहाल इमरान 100 से अधिक मामलों में जमानत पर है।